अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मीठा पुलाव बनाऊंगी और जिसे जर्दा भी बोलते हैं और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मैं अभी बना के दिखा रही हूँ। मैंने एक पतीला में पानी बॉयल की हूँ और इसमें डालूंगी दो इलायची है, हरी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक रेड कलर है और ऑरेंज कलर, ये सब डालूंगी। ये पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। एक कप चावल है, एक घंटा पहले मैंने सोख करके रखा था पानी में, 100% इसको पकाना है। मैं यहाँ पे नींबू डालूंगी जिससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। इसको कवर करके पकाऊंगी। ये चावल गल चुके हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। अब मैं पानी निकाल लेती हूँ। ये पानी छान ली हूँ। अब फ्लेम को स्लो कर लिया। अब इसमें चीनी डालूंगी, एक कप चीनी है, अभी आधा डालूंगी और फिर इसको थोड़ा हिलाऊंगी, ये थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर डालूंगी। चावल को चलाए नहीं वरना टूट जाएंगे। अब मैं फिर से चीनी डाल दी हूँ। हल्के हाथों से फैला दें। कवर कर दूँ 2 मिनट के लिए। चेक कर लेती हूँ। तो ये चीनी पूरा मेल्ट हो गया है अच्छी तरह। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी और ड्राई फ्रूट में आपके पास जो भी है आप डाल सकती हैं, काजू, किशमिश और नारियल है, चिरौंजी है, कोई इशू नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप डाल सकती हैं। अब इसको भी हल्के हाथ से फैला दूं। अब यहाँ पे घी डालूंगी मैं, एक इलायची और 2 लौंग को घी में डाली थी, अब इसको डालूंगी। अब बिल्कुल तैयार होने पे है, देखिए। मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाऊंगी। 2 मिनट हो गया, चेक कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चेरी। थोड़ा सा मावा डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी बना है। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए डिश आउट कर ली हूँ। देखिए चावल खिला हुआ है, बहुत टेस्टी बना है। आप इसी तरह बनाइए और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।